नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर से अब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोकने के लिए 2008 से 2012 के बीच क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था। इस प्रोटोकॉल के अनुसार कई सारे देशों को अपने एमिशंस को कम करना था। अब देखो, 2012 तक तो क्योटो प्रोटोकॉल लागू हो गया, लेकिन उसके बाद कोई सहमति नहीं बनी विभिन्न देशों के बीच कि 2012 के बाद किस प्रकार का कोई एग्रीमेंट साइन किया जाए एमिशंस को कम करने के लिए। तो विभिन्न देशों की इस बात पे सहमति बनी, एक बार तो क्योटो प्रोटोकॉल को ही आगे एक्सटेंड कर देते हैं। समझ गए, शुरुआत में क्योटो प्रोटोकॉल को लागू होना था 2008 से लेकर 2012 के बीच, लेकिन आगे कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं, तो विभिन्न देशों ने सोचा कुछ ना करने के बजाय इसी एग्रीमेंट को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। 2020 तक अब क्योटो प्रोटोकॉल ही लागू है, लेकिन 2015 में विभिन्न देशों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हो गया, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, जो कि 2020 के बाद से लागू होगा जब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा। इस एग्रीमेंट में, यानी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, विभिन्न देशों ने अपने अपने टारगेट्स दिए हैं। जैसे इंडिया ने अपने वॉलंटरी टारगेट्स दिए हैं, इंडिया ने कहा है कि भैया हम इतना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस कम करेंगे। चाइना ने अपने टारगेट्स दिए हैं, यूके ने अलग दिए हैं। इस प्रकार से सभी देशों ने अपनी अपनी तरफ से टारगेट्स दिए हैं कि हम एमिशंस को इतना कम करेंगे। पूरा ऑब्जेक्टिव ये है, शताब्दी के अंत होने तक कोशिश की जाए कि अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोका जाए, और कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो बढ़ने ही ना दिया जाए। क्योंकि हाल ही में IPCC की जो स्पेशल रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया अर्थ का अगर एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कितने ज़्यादा विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये हमने पूरा बैकग्राउंड जान लिया। अब देखो हुआ क्या, UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 24वीं मीटिंग फिलहाल चल रही है पोलैंड के शहर कैटोविके में। मीटिंग का उद्देश्य क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 24वीं मीटिंग का उद्देश्य देखो ये है, 2022 से जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट लागू होना स्टार्ट हो जाएगा, इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए गाइडलाइंस सेट करना, उसके लिए रूल बुक तैयार करना, कैसे विभिन्न देश अपनी रिपोर्ट्स देंगे। जैसे देखो, सभी देशों ने कह तो दिया कि हम इतना इतना कम करेंगे, लेकिन कुछ फ्रेमवर्क तो होना चाहिए ना कि कैसे सभी देश रिपोर्ट करेंगे। ऐसे तो कोई देश झूठ मूठ बोल देगा कि हमने कम किया है, लेकिन कम ना किया हो फिर तो। इसीलिए रूल्स तय करना, कैसे विभिन्न देश अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे, ये बताएंगे कि हमने ये स्टेप्स उठाए हैं और इतना एमिशंस हमने कम किया है। आर्टिकल में कहा जाता है कुछ चैलेंजेस भी हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के इंप्लीमेंटेशन के सामने। देखो, दो टर्म्स हैं, एक होता है मिटिगेशन और दूसरी टर्म है एडेप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करना, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज करना, और एडेप्टेशन का मतलब ये होता है। अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कुछ हद तक तो हो ही गया है ना। जैसे कहीं कहीं ज़्यादा बारिश आने लगी है, इसकी वजह से फ्लड आ जाती है, कहीं कहीं बहुत इंटेंस सूखा आता है, कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु में अभी जो गजा साइक्लोन आया, केरल में जो फ्लड्स आई, तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो इन सब से निपटने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना होगा। फॉर एग्जांपल, जहां सूखा ज़्यादा आता है वहां पर सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाए। जहां पर साइक्लोन आता है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का हो कि साइक्लोन का कम से कम प्रभाव देखने को मिले, और जहां पर बाढ़ ज्यादा आती है वहां पर बाढ़ को रोकने के लिए उपाय किए जाएं सरकार के द्वारा। लेकिन देखो,
इन सब के लिए सरकार को पैसों की आवश्यकता है और डेवलप कंट्रीज को पैसे देने होंगे डेवलपिंग कंट्रीज को इसके लिए, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में जनता क्लाइमेट चेंज से होने वाले पूरे बुरे प्रभावों से अपने आप को अडेप्ट कर सकें। इसके पीछे लॉजिक देखो ये है, ट्रेडिशनली इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले डेवलप कंट्रीज में आया था, डेवलपिंग कंट्रीज में, लीस्ट डेवलप कंट्रीज में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी ढंग से नहीं आया है, यानी मेजर जो ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है उसके पीछे डेवलप कंट्रीज हैं, इसलिए उनको मदद करनी होगी डेवलपिंग कंट्रीज को। तो दो टर्म्स का मतलब आपने समझ लिया, मिटिगेशन क्या है और एडप्टेशन क्या है। आर्टिकल में यह कहा जाता है, देखो मिटिगेशन पर तो फिर भी क्या प्रोसेस अपनाई जाए, क्या स्टैंडर्ड्स अपनाए जाए, कुछ हद तक सहमति देखने को मिल रही है, लेकिन एडप्टेशन पर सहमति नहीं देखने को मिल रही है डेवलप कंट्रीज के बीच और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच। दूसरा चैलेंज सामने ये है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में ये कहा गया था 2020 के बाद डेवलपिंग कंट्रीज को हर एक साल $100 बिलियन की मदद देंगे, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी हो, रिसोर्सेज हो, वो एमिशंस को कम कर सकें, लेकिन इस फ्रंट पर भी कुछ खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में बोला जाता है लॉस एंड डैमेज के बारे में, इस मैकेनिज्म पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो बहुत से देश ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल फिलीपींस, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज, इनकी तो कोई गलती नहीं है, इन्होंने पास्ट में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एमिशंस फैलाया हो, और ना ही ये छोटे छोटे कंट्रीज अभी एमिशंस फैला रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा बुरा असर इन्हीं देशों पर देखने को मिल रहा है। फिलीपींस में एक साइक्लोन आया था 2009-2010 के आसपास, जिसका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव हुआ था। तो उसके बाद ये मैकेनिज्म प्रपोज किया गया था, लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म। ऐसे देश है, छोटे छोटे कंट्रीज जिनकी कोई गलती ही नहीं है, लेकिन उनको क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, ऐसी देशों की मदद के लिए भी एक फंड इस्टाब्लिश किया जाएगा। डेवलप कंट्रीज ऐसे गरीब देशों की मदद करेंगे, लेकिन इस मैकेनिज्म पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट चैलेंज आर्टिकल में ये बताया जाता है, बहुत सारे कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, यूएस ने तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर आने की घोषणा कर दी है, सीरियस नहीं है यूएसए कहता है फिर से रीनेगोशिएट करो इस एग्रीमेंट को, और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज फॉर एग्जांपल फ्रांस, यूके, इनमें तो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। फ्रांस में डीजल के दाम बढ़ाए गए थे, लेकिन अभी वहाँ पे इसके खिलाफ येलो वेस्ट मूवमेंट चल रही है। यूके में कोल का इस्तेमाल पहले के अपेक्षा कर ज़्यादा हो रहा है बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए, इसकी वजह से एमिशंस भी कम हो रहा है। कंक्लूजन में ये कहा जाता है, ये हम पर डिपेंड करता है हम कैसी अर्थ हमारे आने वाले जनरेशंस के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। अगर आज हमने कुछ नहीं किया एमिशंस को कम करने के लिए, तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 3-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, और इसके बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज से संबंधित। क्वेश्चन सिंपल है जो आपको अटैम्प करना है, डिस्कस द चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 की इम्प्लीमेंटेशन के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उनको आपको डिस्कस करना है 250 वर्ड्स में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।